हेलो स्टूडेंट, ये आज का आपका लेक्चर नंबर 7 है। बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स, चैप्टर का नाम है लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसके पहले आपके लेक्चर नंबर 1 से 6 का कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप उसको नहीं सीन किए हैं तो सबसे पहले आप उसको सीन कर लीजिए। यह आपका कंटिन्यूटी का सेकेंड लेक्चर है। आपका कंटिन्यूटी लेक्चर नंबर 6 से स्टार्ट हुआ है, 1 से लेकर के 5 तक आपका लिमिट्स चल रहा था। तो आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। लेक्चर नंबर 7 में आपसे कह रहा है कि सो दैट एफ ऑफ एक्स का मा वाई एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 एक्स का मा वाई इज नॉट इक्वल टू 0.0 एंड 0 एक्स वाई इज इक्वल टू 0.0। जब एक्स टेंस टू 0 वाई टेंस टू 0 है तो उसका वैल्यू 0 है। जब एक्स नॉट इक्वल टू 0 वाई नॉट इक्वल टू 0 तो उसका वैल्यू क्या है? एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 इज डिसकंटिन्यूअस एट 0.0 पर। आपको 0.0 पर इसको डिसकंटिन्यूअस शो दैट करना है। तो आप इसके लिए क्या करोगे? सबसे पहले आप एक पाथ चूजन करोगे, जो कि मैंने आपको लिमिट्स में बता दिया कि पाथ चूजन कैसे किया जाता है। तो यहां पे देखिए, हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, ऑन द पाथ चूजन, ऑन द पाथ चूजन। तो यहां पे हम एक पाथ चूज करेंगे, वाई क्यूब इज इक्वल टू एम एक्स। जब आप यहां पे वाई क्यूब इज इक्वल टू एम एक्स रख दोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा? एम एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और यहां पे वाई की पावर 6 है तो यहां पे क्या आ जाएगा? एम स्क्वायर एक्स की पावर 2 आ जाएगा, जो कि एक्स की पावर 2 यहां से कॉमन ले लिया जाएगा। तो ऊपर का एक्स स्क्वायर अपान का एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के एम अपान 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। तो आइए इसको हम करके दिखाते हैं। ये आपका हो जाएगा लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0.0 फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई। ये आपका फार्मूला है। तो यहां पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई क्या है? एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0.0, क्योंकि आपको 0.0 पर दिखाना है कि यह क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो यह आपका हो जाएगा एक्स वाई क्यूब अपॉन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6। देखिए, मैंने आपको यह भी बताया कि जब आप पाथ चूज करोगे वाई की रिस्पेक्ट में तो आप वहां पे जो लिमिट लोगे वो एक्स टेंस टू पे लिया जाएगा। तो यहां पे क्या लिया जाएगा? लिमिट x टेंस टू 0। अब यहां पे y क्यूब के स्थान पर जब आप mx पुट करोगे तो एक x पहले से है, ये आपको हो जाएगा mx स्क्वायर और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, ये y की पावर 3 का होल स्क्वायर है। तो mx की पावर 2 मतलब m स्क्वायर x स्क्वायर। आइए इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। तो ये आपका हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 पर, यहां पे देखिए ऊपर से एक्स स्क्वायर और अब यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन करोगे तो ब्रेकेट में 1 प्लस एम स्क्वायर बचेगा। तो ऊपर बचेगा m, अपॉन में क्या आ जाएगा, 1 प्लस एम स्क्वायर। अब लिमिट x टेंस टू 0 पर m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाएगा? यही सेम ही रहेगा, m अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर। यहां पे देखिए आपका जो लिमिट है एट 0.0 पर डिसकंटिन्यूअस आपको प्रूफ करना है। तो यहां पे जो है ये पाथ चूजन पर डिपेंड कर रहा है। यहां पे आप क्या लिखोगे कि एबव लिमिट्स डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन, क्योंकि यह पाथ चूजन पर डिपेंड कर रहा है इसलिए क्या है, हेंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट 0.0। आइए इसको हम आपको लिख के दिखाते हैं। यहां पे देखिए आपका जो लिमिट्स है वह पाथ चूजन पर डिपेंड कर रहा है, अर्थात आपका डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन को फॉलो कर रहा है, इसलिए है क्या है, 0.0 पर क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। तो डिसकंटिन्यूअस के लिए आप यहां पे एक पाथ चूज करोगे, पाथ चूज को उसमें रखोगे, फिर आपका जो लास्ट में आएगा वो क्या हो जाएगा, जो कि पाथ चूजन पर डिपेंड करेगा। अगर पाथ चूजन पर डिपेंड करेगा तो आपका जो लिमिट है वह क्या हो जाएगा,
एट 0,0 पर ये वाला डिसकंटिन्यूअस आपका प्रूफ हो जाएगा। आज इसको यहां पे नोट कर देते हैं कि आपको मैंने बताया एबव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन मैंने आपको इसको फर्स्ट लेक्चर में बता दिया था कि पाथ चूज पर अगर डिपेंड करेगा तो वह डज नॉट एग्जिस्ट की कंडीशन को फॉलो करेगा। हेंस लास्ट में आप लिखोगे हेंस द फंक्शन एक्स कामा वाई इज डिसकंटिन्यूअस एट 0,0। तो एट 0,0 पर आपका जो फंक्शन दिया गया था एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 ये आपका क्या है डिसकंटिन्यूअस है। एक बार इसको आप और देख लीजिए ये आपका क्वेश्चन है आपको इसमें सो दैट करके दिखाना है कि एट 0,0 पर आपका फंक्शन क्या है डिसकंटिन्यूअस है। तो मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या किया एक पाथ चूज किया वाई क्यूब इज इक्वल टू मैंने यहाँ पे एम एक्स रखा ये आपको स्वयं ही इसको रखना है। तो लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई होता है फार्मूला। तो लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0 पर फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई क्या है एक्स वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर 6 है जो कि आपको 0,0 पर ही दिखाना है इसलिए मैंने यहाँ पे 0,0 ही लिया है। जब आप पाथ चूज करोगे वाई की रिस्पेक्ट में तो यहाँ पे एक्स टेंस टू 0 पुट किया जाएगा अगर 0,0 है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एम एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर ऊपर से एक्स स्क्वायर अपॉन में भी एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर उसको कैंसिल आउट करके लास्ट में जो आपको बचा है वो क्या है एम अपॉन 1 प्लस एम स्क्वायर जो कि क्या है एबव लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ चूजन हेंस द फंक्शन एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज द डिसकंटिन्यूअस एट 0,0। ये तो आपका क्वेश्चन था डिसकंटिन्यूअस पर। आइए क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं कंटिन्यूअस पर जिससे कि आपका दोनों ही क्वेश्चन अच्छे से हो जाए एक कंटिन्यूअस पे फिर एक डिसकंटिन्यूअस पे। तो ये आपका क्या कह रहा है कि सो दैट आपका जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई है वो आपको यहां पे दिया है एक्स वाई अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स कामा वाई नॉट इक्वल टू 0,0 और आपका वैल्यू 0 है कब जब एक्स कामा वाई क्या है 0,0 है। तो यह है आपका क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इज कंटिन्यूअस एट 0,0 इज कंटिन्यूअस एट 0,0। देखिए स्टूडेंट यहां पे कंटिन्यूअस एट 0,0 पर आपको सो दैट करने के लिए सबसे पहले आपको लिमिट को पोलर फॉर्म में चेंज करना होगा। तो पोलर फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है इसको मैंने आपको पहले के लेक्चर में बता दिया है। तो पोलर फॉर्म में क्या करते हैं कि जहां पे x होता है वहां पे r cos थीटा पुट करते हैं और जहां पे y होता है वहां पे r sin थीटा पुट करते हैं और जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है वहां पे क्या पुट करते हैं आर स्क्वायर। आइए इसको हम चेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप यहां पे क्या करोगे देखिए कंटिन्यूअस को प्रूफ करने के लिए आप पोलर फॉर्म में चेंज करना और डिसकंटिन्यूअस के लिए आप क्या करोगे पाथ चूज करोगे। तो यहां पर क्या आ जाएगा चेंजिंग टू पोलर्स तो यहां पे चेंजिंग टू पोलर्स करने के बाद आपका क्या हो जाएगा जो आपका फार्मूला है लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0 एफ ऑफ एक्स कामा वाई होता है फार्मूला। तो यहां पे क्या हो जाएगा लिमिट एक्स कामा वाई टेंस टू 0,0
फंक्शन एफ ऑफ एक्स का मा वाई क्या है, एक्स वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो पाथ चूज करने के लिए जब आप पाथ चूज कर लोगे तो इसका जो लिमिट है वह r टेंस टू पे लिया जाएगा। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लिमिट r टेंस टू जीरो, क्योंकि आप इसको पोलर फॉर्म में चेंज कर रहे हो। तो यहां पे देखिए x इंटू वाई है, तो r cos थीटा इंटू r sin थीटा होगा, जो कि r इंटू r आर स्क्वायर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा cos थीटा इंटू में sin थीटा। और मैंने आपको बताया था पोलर फॉर्म में चेंज करते टाइम जहां पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा उसके स्थान पे आप पुट करेंगे आर स्क्वायर। तो इतना कंडीशन आपका हो गया था पोलर फॉर्म में चेंज करते टाइम। आइए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो यहां पे देखिए अपॉन में क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर है, जो कि बाहर आएगा तो आर ही बचेगा। ऊपर आर स्क्वायर है, नीचे की एक आर से आर कैंसिल आउट होकर के ऊपर आर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बचेगा। आइए उसको यहां पे नोट करते हैं। ये आपका हो जाएगा लिमिट r टेंस टू जीरो, ये आपका क्या था r स्क्वायर cos थीटा इंटू साइन थीटा, और ये आपका था क्या r। जब आप इसको कट करोगे तो ये आपका हो जाएगा लिमिट r टेंस टू जीरो r cos थीटा इंटू में साइन थीटा। अगर आप यहां से 2 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर दो तो देखिए यहां पे एक फार्मूला बन जाएगा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है, साइन 2 थीटा होता है। तो मैंने फार्मूला बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड किया है। तो ये आपका हो गया लिमिट r टेंस टू जीरो पर r बाई 2, और ये क्या हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। अब देखिए लिमिट r टेंस टू जीरो पर r बाई 2 साइन 2 थीटा, तो यहाँ पे साइन 2 थीटा क्या है, एक बाउंडेड है, बाउंडेड फंक्शन है। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। और यहाँ पे आप इसको ब्रैकेट के अंदर दिखा दीजिए कि लिमिट r टेंस टू जीरो पे r बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, जीरो है, एंड साइन 2 थीटा इज बाउंडेड। एट किस पर, एफ ऑफ जीरो कामा जीरो। तो यहां पे जो आपका जीरो है क्या आ गया, एफ ऑफ जीरो कामा जीरो आ गया। तो आपको यही दिखाना था कि फंक्शन जो आपका है जीरो कामा जीरो पर क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आपका यहां पे प्रूफ हो गया कि आपका जो फंक्शन एफ ऑफ जीरो कामा जीरो लास्ट में आ गया है, इसको आप देख लीजिए, जो कि आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो आप यहां पे लास्ट में लिखोगे डज फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो कामा जीरो, क्योंकि आपका लास्ट में जीरो ही आ गया, जो कि फंक्शन एफ ऑफ जीरो कामा जीरो की इक्वल है। डज फंक्शन एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज कॉन्टिन्यूअस एट जीरो कामा जीरो। तो आज के सेशन में बस दो ही क्वेश्चन, एक डिसकंटिन्यूअस पर हुआ, एक कंटिन्यूअस पर हुआ। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।